तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और आप कहिए तो इस वक्त की दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है। ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। ब्रीच कैंटी अस्पताल में उनका निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। तो मुंबई से बड़ी खबर, लता मंगेशकर का निधन हो गया। बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। तो मुंबई से बड़ी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। कोरोना संक्रमण की चपेट में लता मंगेशकर आई थी और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान निधन हो गया। और आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, देखिए, स्वर कोकिला अगर कहा जाए लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। बेहद दुखद खबर सामने आई। कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है। सर, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्षति है जी। कुछ लोग मानव सभ्यता के इतिहास में होते हुए जिनके लिए कहा जा सकता है मैं भूतपूर्व भविष्य थी। लता मंगेशकर भी ऐसी एक महान शख्सियत थी जो आज से पहले पैदा नहीं हुई। जब लता मंगेशकर पैदा हुई उनके पहले और उनके जाने के बाद भी शायद ही कभी मानव सभ्यता के इतिहास में दूसरी लता मंगेशकर का जन्म हुआ जी। हजारों गीत गाए और जितनी बेहतर गायिका थी उससे बेहतर इंसान थी वो। और फिल्म जगत में लगभग पिछले 50-60 सालों में छाई रही पूरी तरह। और लता मंगेशकर का गाना मतलब समझिए कि संगीत की बयार, कलकल बहती नदी, कलकल बहता झरना संगीत का लगता था लोगों को और फिल्मों की सफलता होने की गारंटी माना जाता था। और उनके जैसा गला शायद ही संसार में किसी ने पाया जी। ये ईश्वर प्रदत्त जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ईश्वर की दी हुई देन होती है, वो किसी किसी के पास होती है। इसलिए भारत रत्न तो वो थी, लेकिन मैं तो उनको मानव सभ्यता का इतिहास बनाने वाली महिला मानता हूँ जी। और इस नाते उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन करना चाहता हूँ अपने एवन टीवी के सभी दर्शकों के और देशवासियों के, दुनिया के जिन भी देशों में उनके फैंस होंगे सब आज प्रभावित होंगे, भाव विभोर हो गए होंगे। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति जी। शुक्रिया अनिल जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि अपूर्णीय क्षति कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए सामने आई है। लता मंगेशकर जो कि स्वर कोकिला कही जाती थी, उनका आज निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था और मुंबई में लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान लता मंगेशकर का निधन हुआ। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। कोरोना से संक्रमण लता मंगेशकर पाई गई थी और इसी को लेकर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा था, लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश और दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था।
तो लता मंगेशकर का आज निधन हो गया, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। कोरोना के संक्रमण में आपको बता दें कि लता मंगेशकर आई थी और इसी को लेकर उनको मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई, लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। तो भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन आज। आपको बता दें कि कोरोना और निमोनिया होने के बाद 29 दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। चार पांच दिन पहले काफी रिकवर कर रही थी और आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। तो आज सुर सामग्री लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए कला समीक्षक सर्वेश भट्ट हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया, बेहद दुखद खबर सामने आई, देश और दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति। सर बेहद बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद है ये, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लता जी के लिए इस तरह उद्गार व्यक्त करने के लिए मेरे को टीवी पर आना पड़ेगा जी। और हमारे देश ने तो एक अमूल्य रत्न, बहुमूल्य, मतलब ये मानिए कि स्वर मौन हो गए जी, क्योंकि स्वरों की असली तासीर सबसे पहले लता मंगेशकर ने ही विकसित की थी फिल्म जगत में, जो जिसको बोलते हैं कि असली स्वर जो निकलते थे वो लता जी के कंठ से ही निकलते थे। और जयपुर से भी उनका नाता रहा, 1988 में वो उनकी लास्ट विजिट रही थी जयपुर में जी। जब मैंने देखा था कि वो जो अपने टुनटुन के नाम से उमा देवी जानी जाती थी वो भी उनके साथ में आई थी और इनका अपने एसएमएस स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम हुआ था जी। और इतनी भीड़ थी, इतना अभूतपूर्व प्रोग्राम था वो लता जी का, वो बस याद करके एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बाकी इसके बाद लता मंगेशकर जी कभी जयपुर नहीं आई, और पर लेकिन उनका स्वरों से सारी दुनिया उनसे हर दिन हर पल जुड़ी रहती थी और जुड़ी रहेगी, क्योंकि जब तक ये कायनात रहेगी लता के गीत तो चलते ही रहेंगे, उसके बिना संगीत अधूरा ही रहेगा जी। शुक्रिया सर A1 टीवी के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था तो लता मंगेशकर का आज निधन। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। आखिर जिसका डर था वही हुआ, आज लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई, देश और दुनिया के लिए ये अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। आज भारत रत्न लता मंगेशकर को आज हमने खो दिया, ये बेहद दुखद खबर।